हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ली गई तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे को लेकर आज एबीवीपी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में कुल सचिव का घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में सीयू प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर भर्ती की है और इसमें भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री राहुल राणा ने कहा कि सीयू प्रशासन द्वारा ली गई चार श्रेणियों की भर्ती के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की गई और अब वोटिंग लिस्ट के जरिए इनमें कुल सचिव ब्रिगेडियर जेसी राणा द्वारा पैसे खाकर धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यही नहीं बल्कि इस भर्ती परीक्षा परिणाम भी सीयू प्रशासन द्वारा 10 और 24 मई को दो बार घोषित किया गया है, जिससे कई सवाल पैदा होते हैं और कहीं न कहीं इसमें कुल सचिव की मिली भक्ति नजर आ रही है। एबीवीपी का आरोप है कि कुल सचिव के कारण लगातार यूनिवर्सिटी की साख गिर रही है। एबीवीपी ने कुल सचिव से इस्तीफे की मांग की है और प्रदेश सरकार से इस भर्ती की जांच करवाने का आग्रह किया है। एबीवीपी का कहना है कि यदि जल्द इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वह अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे, जिसका पूरा दायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा। आज ये जो घिराव हुआ नॉन टीचिंग स्टाफ में जो भर्तियां हुई हैं उसमें सरासर धांधली हुई है, उसको लेकर आज रजिस्ट्रार का घिराव किया गया, जिसके तहत जो है विद्यार्थी परिषद ने ये मांग की कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो कि चार पदों पर जो है विद्यार्थी जो कोई क्लरिकल पोस्ट के लिए भर रहा है वो चार पोस्टों पर पेपर देने की बजाय जो है एक ही पोस्ट पर पेपर दे रहा है, तो इस पर जो है वो तीन पेपरों जो है जो कि होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये रजिस्ट्रार से हम लोग जवाब मांगने आए थे। और साथ ही दो दो बार जो है इस क्लरिकल पोस्ट के लिए जो भर्तियां निकाली गई थी इसका दो बार रिजल्ट निकाला गया है, एक बार 10 तारीख को और एक बार 24 तारीख को। दो बार रिजल्ट निकालने का क्या मतलब है, इसमें एक मामला सामने आया है कि जो सी और डी ग्रेड की जो क्लरिकल पोस्ट की भर्तियां थी जिसमें कि हिमाचलियों को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए थी और इसमें हिमाचलियों को प्रेफरेंस ना देकर जो है वो बाहर यूपी और बिहार के में रह रहे लोगों का नाम वहां पर आया, तो इस पर जो है क्यों इन लोगों का नाम इस लिस्ट में आया और क्यों इसको जो है रिवाइज पर डालकर जो है दोबारा लिस्ट मेरिट लिस्ट बनाई गई, ये एक सबसे बड़ा जो है विषय हमारे सामने आया है कि क्यों दो बार जो है लिस्टें बनाई गई। तीसरा, इसमें जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हो चुकी है जो यूनिवर्सिटी में क्लर्क के पद पर अभी आज और न्यूली अपॉइंटमेंट हो चुकी है उसमें क्या हुआ है, जिस पद पर जो है क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए जो भरा था जो वहां पर अपॉइंट हुए वहां पर अपॉइंट होने के बाद जो है वहां डिग्री मांगी गई, वो डिग्रियां जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं लिखी गई थी, वो ना लिखना क्यों वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ना लिखना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वहां पर खड़े होकर वहां पर जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो कि पद पर नए अपॉइंट हुए क्लर्क थे उनको टेक्निकल असिस्टेंट से पद पर इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था। कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है इन लोगों ने पहले क्यों नहीं मांगा, क्यों इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है वो ये नहीं लिखा था कि वन शुड हैव द डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर और उसमें क्यों लिखा गया था कि वन शुड हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ओनली, तो उसको जो है टेक्निकल असिस्टेंट से जो है वो लैब असिस्टेंट में क्यों वहां पर चेंज कर दिया गया। अब टेक्निकल असिस्टेंट पर क्या किसी की साजिश थी टेक्निकल असिस्टेंट पर बिठाने के लिए, किसी और को बिठाने के लिए, किसी अपने भाई भतीजा करके जो है वहां अपने लोगों को बिठाने के लिए जो साजिश रची गई थी, तो एक ये सबसे बड़ा विषय जो है आज पूरे मामला जो है हमारी मांग नहीं पूरी होती तो क्या आपका अगला एक्शन क्या, हमारा अगला प्रदेश सरकार से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इन मुद्दों को लेकर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो है इस जांच करे और जल्द से जल्द जो है तीन चार दिनों के अंदर इसके इन मुद्दों को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा और विद्यार्थी परिषद इस पूरे मामले को पूरे समाज के सामने लाकर रखेगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे पूरे अंत तक पहुंचाने तक निर्णय तक पहुंचाने तक पूरा सरकार प्रशासन को घेर के रखेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सीओ के कुल सचिव विवादों में रहे हैं और उनके खिलाफ नियमों के विपरीत अधिक सैलरी लेने का आरोप है और इसको लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है। वहीं इस मामले पर जब कुल सचिव ब्रिगेडियर जेसी राणा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। जब इस मामले को लेकर सीओ के कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है और जो भी भर्ती हुई है वो नियमानुसार हुई है। देखो दो बातें भाई,
ये जो आरोप लगा है कि आप कह रहे हो कि जो वेटिंग लिस्ट है, जब ऊपर वाला जो नंबर एक वाला है वो नहीं ज्वाइन करता तो वेटिंग लिस्ट वाले की बारी आएगी आएगी। वेटिंग लिस्ट तो मेरिट से ही बनी हुई है। वेटिंग लगा अर्थी यही होता है कि जो लिस्ट बनी हुई है, मान लीजिए 15 लोगों की लिस्ट है, 10 सीटें हैं, तो ऊपर वाले 10 हैं, उसके बाद नीचे वाले 5 हैं, ऊपर 10 में से कोई नहीं ज्वाइन करता तो वेटिंग वाला करेगा ज्वाइन, इसमें अनियमितता बड़ी क्या बात है। वेटिंग का तो अर्थ ही होता है कि पहला ज्वाइन नहीं करेगा तो दूसरा ज्वाइन कर लेगा वेटिंग वाला, जो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई गलत बात बड़ी क्या बात है। सर और दूसरा जो मामला है, एक ही 4 पोस्टों के लिए जो है वो एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसको के लिए? 4 पोस्टों के लिए एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा बेटे। असली बात यह है कि भाई आपके जहां अलग अलग पोस्टें हैं और मान लीजिए 3 पोस्टों के लिए एक ही पेपर है, क्योंकि छोटी जो बी और सी ग्रुप की जो पोस्टें होती हैं, कई बार बहुत सी पोस्टें होती हैं उनमें पेपर एक ही होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 3 जगह भरा हुआ है और पेपर तो एक ही दिन है, तो उसका एक पेपर में जितने नंबर आएगा वो 3 में काउंट हो जाएंगे। अब मेरा पॉइंट समझ गया भाई, मैंने मान लीजिए अप्लाई कर दिया, 3 पोस्टें हैं, मैंने 3 के लिए अप्लाई कर दिया और डेट शीट एक ही, पेपर भी एक ही, 3 का जो ए के लिए पेपर वही, बी के लिए वही, सी के लिए क्वेश्चन पेपर एक ही है, अब मैं एट ए टाइम एक ही जगह बैठ सकता हूं, तो एक जगह मेरे जितने मान लीजिए नंबर मेरे 80 नंबर आ गए तो वो दूसरी जगह भी काउंट होंगे क्योंकि मैंने वहां भी अप्लाई किया हुआ है, तो नंबर तो 80 है, जितने आए हुए उतने भरे गए हैं। या तो हो कि नंबर जो है उनका काम ज्यादा, जितने नंबर आए हुए उतने भर दिए हैं, तो फिर जो लिस्ट बनी वो मेरिट के अनुसार बनी है, तो जो आगे ज्वाइन कर लेगा, जो नीचे आएगा उसको मीटिंग में चला जाएगा।